मनुष्य समाज ने स्त्रियों को सदा ही शोषण, अन्याय और अपमान दिए। आप अपने आसपास मिट्टी डालिए, समग्र इतिहास को देखिए, तो यही दिखाई देगा कि पुरुषों की ईर्ष्या, लालसा, अहंकार, बैर, इन सभी बुरी भावनाओं का परिणाम स्त्रियां भोगती हैं। युद्ध पुरुष करता है, पराजित नगर की स्त्रियों के साथ बलात्कार किया जाता है। पुरुष मदिरा और द्यूत में अपनी संपत्ति गवाता है। स्त्री के भाग्य में भूख आती है। पुरुष का अहंकार जागता है। उस स्त्री की स्वतंत्रता और सुख में बाधा उत्पन्न हो जाती है। पुरुष जीवन से हार कर परिवार का त्याग करता है और स्त्री अपने नन्हे नन्हे शिशुओं का पेट भरने के लिए संघर्ष करती रहती है। सारे संसार के दुखों की गिनती कीजिए, स्पष्ट दिखाई देगा कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियां कहीं अधिक दुख भोगती हैं। कि किस प्रकार के समाज की रचना की है हमने, जहां मनुष्य जाति का आधा भाग दूसरे आधे भाग को निरंतर कुचलता रहता है। और वही कुचली हुई स्त्रियां मनुष्य के समग्र भविष्य को जन्म देती। सृष्टि को देखिए, नए वृक्ष को जन्म देने वाले बीज के आसपास ईश्वर ने फूलों की पंखुड़ियां निर्मित की, उसे रंग और सुगंध से भर दिया। जहां भविष्य का जन्म होता है, वहां तो केवल सुंदरता, केवल सुख, संतोष और सम्मान होना आवश्यक नहीं, किंतु समाज स्त्रियों को दुख देकर सारे भविष्य को दुख से भरता रहता है। मान, शोषण, पीड़ा, सबसे झुलसी हुई स्त्रियां स्वस्थ और सुखी संतान को जन्म किस प्रकार दे सकती हैं? अर्थात जब जब किसी स्त्री का अपमान होता है, किसी स्त्री का शोषण होता है, नारी के केशों को खींचा जाता है, तब तब किसी ना किसी रूप में एक युद्ध का जन्म होता है, किसी ना किसी रूप में महाभारत का आरंभ होता है। स्वयं विचार कीजिए, बार बार विचार कीजिए।